हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज राजपूत हूं और मैं एक डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हूं और अब अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाता हूं फाइनल असॉल्ट के नाम से, जो देश दुनिया की रक्षा, सुरक्षा और सामरिक मामलों से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है। पत्रकार नीरज राजपूत आज अपने जीवन का एक अनोखा किस्सा द चाणक्य के दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। वे एक ऐसे पत्रकार हैं जो एक लंबे समय से अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करते आ रहे हैं। उन्होंने एक महीने तक वॉर जोन में रहकर रशिया और यूक्रेन युद्ध की खबरें दर्शकों तक पहुंचाई। कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले जिन हालातों में उन्होंने पत्रकारिता की, उसी का एक किस्सा आज वो बताने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं पत्रकार नीरज राजपूत से उनके जीवन का अनोखा किस्सा। कश्मीर में जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है अब वहां कश्मीर जाते हैं, टूरिज्म पे ही ये G20 समिट हो रही है कश्मीर में, श्रीनगर में हो रही है। मैं उस वक्त कश्मीर जाता था, कश्मीर वैली जाता था, जब वहां लोग जाते ही नहीं थे, जर्नलिस्ट तक नहीं जाते थे, डर के मारे नहीं जाते थे। वहां पर आतंकियों का बोलबाला रहता था, साउथ कश्मीर जिसका नाम कहते हैं। तो मेरे जब मैं कश्मीर गया, मैंने ऐसा इतना कवर किया कि मैं सुबह जाता था श्रीनगर और कवर करने के बाद फिर शाम को लौट के आ जाता था, फिर अगले दिन सुबह फिर जाता था श्रीनगर जाता था। इस तरह भी अप एंड डाउन की, क्योंकि वहां पर इंटरनेट नहीं था, ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं थे वहां पर, तो फीड देने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ता था। तो मैंने ऐसे भी कवर किया, तो ऐसे ही काफी एनकाउंटर्स मेरे हुए, एनकाउंटर्स यानी मुश्किल हालात में जब मैं फंसा, टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर्स के दौरान, LOC जाने में। ऐसे ही एक बार 2017 की बात है, जब कश्मीर में जो सबसे बड़ा आतंकी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन, उसका कमांडर जो था उसका एनकाउंटर हुआ था, और उसके एनकाउंटर के बाद ऐसे लगने लगा कि कश्मीर में हालात जो है बिगड़ जाएंगे। तो सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि पूरा बंद कर दिया पूरा कश्मीर को। मैं वहीं पर था, गया हुआ था, तो हमें जहाँ एनकाउंटर हुआ था वहाँ जाना था। त्राल इलाका है, सबसे खतरनाक आतंकियों का गढ़ कहा जाता है, सेना भी जाती तो पूरी पलटन के साथ वहाँ जाती होती उस इलाके में। अब हालात बदल गए, लेकिन उस दौरान बहुत मुश्किल हालात थे वहाँ पर, लेकिन हमें जाना था वहाँ एनकाउंटर साइड पर। तो मैंने पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से या आर्मी से कहा, तो उन्होंने थोड़ा हिचकिचाए कि वहाँ आप जाना ठीक नहीं है एनकाउंटर के बाद, लेकिन मुझे लगा कि एज ए डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट जाना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए आतंकियों के गढ़ में, देखना चाहिए कैसा है, कैसा एनकाउंटर हुआ है, क्या लोग वहाँ का क्या मानते हैं, वहाँ पर सेपरेटिज्म टेररिज्म तो ही है वहाँ पर। तो मैंने कहा चलते हैं। तो मैं अपने साथ एक लोकल, मेरा जो कैब ड्राइवर हमेशा मेरे साथ रहता था, उसको कहा कि चलना है त्राल, तो पहले चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब हम गए तो वहाँ पुलिस ने हमें पहले ही रोक दिया और जाने से मना कर दिया। सब जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF सब लगी हुई थी, सब ने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते वहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है सही नहीं है, वहाँ पे जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले दिन मैंने इंतजार किया, नहीं जा पाया। दूसरे दिन फिर हमने किया, तो दूसरे दिन हम त्राल शहर तक पहुँचने में कामयाब हुए। सुबह सुबह हम लोग गए थे, तो उस टाइम पुलिस वुलिस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो कोई जंगल वाले रास्ते से हम लोग गए पहुँचे। पूरा त्राल जो था बंद पड़ा था, लोग पर घरों के बाहर थे, पूरे सब जगह ग्रेफिटी, पूरे जहाँ भी जाते थे हम लोग वहाँ गो बैक इंडिया, गो बैक आर्मी। उस टाइम बुरहान वानी का इनकाउंटर तभी हुआ था, तो बुरहान वानी है हीरो, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह का लिखा रहता था वहाँ पर। तो लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए जहाँ इनकाउंटर साइड था, वहाँ फिर मना कर दिया गया। तीसरे दिन हमने फिर कहा कि अब जाना चाहिए, तो लेकिन अब जब, क्योंकि मेरा ड्राइवर गया था वहाँ पर त्राल शहर, तो वो उसने मना कर दिया जाने के लिए। उसने कहा कि जब हम लोग जा रहे थे वहाँ लड़के बैठे, लड़के यानी टेररिस्ट जंगल में बैठे हुए थे, अगर वो फायर भी नहीं करते, अगर गाड़ी पे अगर पत्थर भी मार देंगे तो मेरी गाड़ी को नुकसान हो जाएगा, और कश्मीर में इंश्योरेंस नहीं मिलता, डिस्टर्ब एरिया में इंश्योरेंस नहीं मिलता है, ये उसने कहा। और बंद था गवर्नमेंट ऑफ लाइव एडमिनिस्ट्रेशन का, तो और भी नहीं मिलेगा कि आप क्यों गए बंद में, क्यों गए टैक्स लेकर, तो उसने मना कर दिया। लेकिन मुझे जाना था, तो मुझे लगा कि कैसे जाया जाए। तो जो मेन रोड, जो अभी हाईवे तो नया बन गया है, तो उस टाइम पुराना हाईवे था NH1 जिसको बोलते हैं हम लोग, जो कि दिल्ली, अमृतसर, श्रीनगर को कनेक्ट करता है। तो अनंतनाग से श्रीनगर के बीच में छोटा पैच था, उसके बीच में एक रास्ता कटता है त्राल के लिए, और वो एनकाउंटर साइड के लिए रास्ता कटता है, जहाँ पर सबजार अहमद जो टेररिस्ट कमांडर था उसका एनकाउंटर हुआ। तो हम लोग खड़े हुए थे, 7-8 किलोमीटर था वहाँ से मेन रोड हाईवे से, तो वो ड्राइवर ने हमारे वहीं छोड़ दिया हाईवे, अब मैं अंदर नहीं जाऊँगा। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे, ड्राइवर जो कैमरामैन था मेरा, मैंने उससे पूछा कि चलना चाहिए, तो ऐसे समय में कॉपरेशन बहुत साथ आता है। कैमरामैन ने कहा हाँ बिल्कुल चल सकता है, मैंने कहा डर तो नहीं लग रहा, मैंने कहा नहीं डरने की क्या बात है, जो यहाँ तक आ गए थे
क्योंकि कैमरे में अगर मना कर दिया, आपके साथ वाला मना कर दिया, नहीं डर लग रहा, तो फिर थोड़ा हिचकिचाहट होती है। कई बार मैंने देखा है इस तरह का। तो हम लोग पहले चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि 7-8 किलोमीटर तो मैंने थोड़ा वेट करते हैं। तभी एक छोटा जो टेम्पो होता है सामान लेके जाता है, छोटा हाथी बोलता है, वो वहां से निकल रहा था। क्योंकि बंद के दौरान भी जब इस तरह की टेररिज्म वाली जगह पे जो खाने पीने का सामान होता है उसकी सप्लाई के लिए लोग टेररिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट हैं, वो मना नहीं करते और जाने देते, चोरी छिपे जंगल से निकल गए, गांव के रास्ते से निकल गए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप हमें ले चल सकते हो? पहले थोड़ा हिचकिचाया कि नहीं कहाँ जाना है, तो मैंने उसको बताया एनकाउंटर साइड जाना है। तो वो ऑर्डर गया कि भैया वहाँ तो टेररिस्ट है, नहीं जाना, वहाँ पुलिस भी होगी वहाँ पर। तो वहीं पर पास में एक और सज्जन जा रहे थे, लोकल ही थे, तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे, तो मैंने उनको बताया कि वहाँ उस गाँव में जाना है जहाँ टेररिस्ट का एनकाउंटर हुआ है, कमांडर का चौक है, कि क्यों आए आप यहाँ, तो जर्नलिस्ट आते ही नहीं है यहाँ पे, कवरेज के लिए डरते हैं, और होता भी है, दिक्कत होती है पहुँचने में। फिर भी उन्होंने पूछा कि कैसे जाओगे, मैंने कहा मैं इंतजार कर रहा हूँ, इस ये टेम्पो वाला ले जा नहीं रहा। तो उन सज्जन को भी उसी गांव में जाना था जहाँ एनकाउंटर हुआ, तो उसने बोला कि इसको पैसे दो, तू चले गए। फिर मैं उसके पास गया जो टेम्पो वाला था, मैंने उसको गया पैसे ले लें, बोला कितने दोगे, मैंने मैं 800 रुपये दूंगा, ले चलो हमें आना जाना कर देना। बोला ठीक है, बोला उसने बोला कि आधे रास्ते तक छोड़ दूंगा आपको, उसको आधे रास्ते तक जाना था, उसके बाद उसको आगे नहीं जाना था। तो मुझे लगा 4-5 किलोमीटर ले जाएगा, तो आगे पैदल चल लेंगे हम लोग। तैयार हो गए, मैं अपने कैमरामैन को कहा पीछे जा, मैं आगे बैठता हूँ, क्योंकि खतरनाक इलाका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एक बंदा पीछे होना चाहिए टेम्पो में, वो खड़ा हुआ था नज़र रखने के लिए चारों तरफ कैमरे के साथ। कैमरा देख के थोड़ा डरते हैं लोग, आतंकी भी डरते हैं, उसको पीछे खड़ा कर दिया। हम लोग चले गए, तो आधे रास्ते में सामान उतारा, और फिर उसके मन में क्या हुआ, देखा ठीक है मैं आपको आगे तक ले चलता हूँ। हालांकि उसने बाद में बताया कि वो 500 रुपये एक्सपेक्ट कर रहा था, हमने 800 दिए तो हमें ले गए, तो वो हमें ले गए वहाँ पर। और उसने फिर हमें बाहर गाँव के बाहर रोक दिया, सब जगह गाँव के बाहर भी सब वही बुरहानवानी, ये गो बैक, ऐसा सब लिखा था, डेरोगेटरी वर्ड्स लिखे हुए थे। हम लोग अंदर गए, वो सज्जन जो थे वो बीच, उनका घर जहाँ जाना था उनको 2-3 घर छोड़ के, जैसे गांव में एंटर करते 2-3 घर बाजू में, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आप आगे चले जाइए, शायद वहाँ उनसे कहीं वो भी कहीं किसी से मिलने आए थे। तो हम लोग जाने लगे, तो वहाँ लोगों ने जैसे एक कैमरा देखा, मेरे को अलग दिख रहे थे, लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, लड़के इकट्ठा होना शुरू हो गए छतों के ऊपर से। कैमरा मैन ने कहा कि नीरज भाई देखिए अब इकट्ठा हो, मैंने कोई बात नहीं, चिंता मत करो, डरना मत, चलते रहना। सामने जैसे हम लोग जा रहे थे 4-5 लड़के खड़े हुए थे सामने रोकने के लिए। तो जैसे ही हम लोग उसके पास पहुंचे, मैंने उनको बोला एनकाउंटर साइट कहाँ है, तेज से बोला। वो थोड़ा हैरान लगा कि ये क्या हुआ, तो इससे पहले कि वो हावी होते हैं मैं उन पर हावी हुआ, मैंने उनको कहा है, तो उनमें से लड़के बोला हाँ वो आगे जाके है, वहाँ चले जाइए आप। तो हम लोग गए, तो वहाँ रिलेटिव वगैरह देखा, तो पूरा घर जो था ऐसा था, वो घर देखा मैंने, या फिर देखा जो यूक्रेन वॉर में ऐसे घर, पूरे घर जो था पूरा, इतनी गोलियां लगी हुई थी उस घर के ऊपर, दीवारों के ऊपर दीवारें टूटी पड़ी थी, जल रहा था घर पूरा। 3 दिन बाद हम लोग गए, 3 दिन बाद भी वहाँ लपटे निकल रही थी, सुलग रही थी वहाँ पर। बाद में देखा कि वहाँ पे कई किलो अखरोट था, जो इसका घर था वो अखरोट की खेती करता है, अखरोट बहुत होता है कश्मीर। तो जब फायर हुआ, गोलियां चली तो वो उसमें आग लग गई अखरोट में, तो वो 3 दिन तक जल रहा, सुलग रहा था अखरोट। उसने बाद में बताया पता नहीं कितने 50 किलो उसका जो था अखरोट बर्बाद हो गया था उसमें। तो मैं कवरेज की हमने जल्दी जल्दी, जो वहाँ था जो इसका घर था, हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि नहीं वो टेररिस्ट थे, क्योंकि गन लेक पॉइंट पर आए थे, मेरे घर में आकर छिप गए थे, और इसलिए जो है वो यहाँ रह रहे थे। क्योंकि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने टेररिस्ट को क्यों बना दी, उसने बोला कि बंधक बना रखा था घर वालों को, तो हम लोग पुलिस को भी नहीं बता सकते, ये मुश्किल होती है टेररिस्ट लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, इधर पुलिस आर्मी, इधर उसी तरफ टेररिस्ट, तो सब कवर करके मैंने देखा। फ्रिज की आड़ ले रखी थी, फ्रिज पूरा जला हुआ था, क्योंकि टेररिस्ट फ्रिज को, फ्रिज में फायर नहीं लगता है, फ्रिज का उन्होंने सहारा लिया था। घर के अंदर भी पूरा जला हुआ था, जले में भी मरने से पहले भी उन्होंने सब ग्रैफिटी कर दी थी टेररिस्ट ने, 2 टेररिस्ट मारे गए थे उसमें, एक शायद भाग किया था। समझदार जो कमांडर था वो मारा गया, क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि थी आर्मी की और पुलिस की, सुरक्षा बलों की। तो वहाँ पर मैंने देखा कि किस तरह से थोड़ा सा टैक्टिकल वे में काम करना चाहिए। जैसे मैं गया तो जो जिनका घर था
क्योंकि अगर आप टेररिस्ट को घर में छिपाएंगे तो आपको कोई उनको भी कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है, ना कोई सरकार उनकी मदद करती है कि आप टेररिस्ट को पना दी इसलिए हम नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने उनसे कहा कि आप क्यों कर रहे हैं, तो वो मेरे से बात करने के लिए तैयार हो गए। उनको थोड़ा ये था कि भाई अगर मीडिया में आएगी बात, मेरी बात सुनी नहीं जाएगी, टेररिस्ट को पना दी तो अगर मीडिया के माध्यम से दूंगा तो शायद हो सकता है कि कुछ कंपनसेशन मिल जाए, शायद हुआ भी बाद में ऐसे। तो मैंने उनसे बातचीत की, सब लोग इकट्ठा हो रहे थे वहाँ पे, लोग क्या कर रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा समझाया उनको कि ऐसे से बात है, हम लोग कवरेज करने के लिए आए हैं, सारी बात हम लोगों ने कवर किया। और हम लोग जो था इससे पहले की भीड़ वहाँ पे होती है, मैंने देखा 400-500 लोग इकट्ठा, आसपास के गांव के लोग इकट्ठा, क्योंकि कवरेज करने में थोड़ा टाइम लगता है हम लोगों को, लेकिन कवरेज करो आप और उसके बाद फिर निकल जाना चाहिए। ज़्यादा देर तक बहस लोगों से आप नहीं करना चाहिए, जितना देर आपको अपना काम करना है, लोगों से बातचीत करनी है। मैं सब लोगों से बात की, उनके परिवार से, स्थानीय लोगों से, गांव के लोगों से बात की, लेकिन उससे ज़्यादा फिर आर्ग्यूमेंटेटिव ज़्यादा नहीं कि अपना काम किया, किस लिए आए हैं यहाँ पे, कवरेज के लिए आए हैं, टेररिस्ट का एनकाउंटर हुआ इसलिए। और ये शायद पहला मौका था जब किसी ऐसे एनकाउंटर में स्थानीय जो जर्नलिस्ट होते हैं वहाँ के रीजनल, वो भी कवर नहीं करते, जाके एनकाउंटर से नहीं कवर करते थे। उस दौरान जाना छोड़ दिया था जर्नलिस्ट ने, मैं उस टाइम में वहाँ पर गया था कवरेज की, तब मैं वापस लौटा। वो सब जो सज्जन मिले थे मेरे को फिर से मिले, वो टीचर थे, वो जिन्होंने हेल्प करी थी मेरे को कि इनको पैसे दे दो ये चला जाएगा। तुमने कहा कि आप चलिए मेरे घर चलिए, तो मैंने कहा कि अब जाना ठीक नहीं है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कल को कुछ हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो मैं उनसे कहा कि अगर अगली बार आया तो मैं जरूर आऊँगा आपके घर। नंबर एक्सचेंज किया, काफ़ी दिन तक बातचीत कर रहे हम लोग। टेम्पू वाला जो था वो वापस हमारा इंतजार कर रहा था बाहर, वो फिर हमें मिल गए और उसने बताया कि वो टेम्पू वाला जो था, बाद में बताया उसने, उसकी ससुराल उस गांव में थी। जब हमने उसको कहा पहले वो सामान बीच रास्ते पे, लेकिन उसने कहा कि जब हम लोग जा रहे थे ससुराल भी चला जाते, और ससुराल क्या थी उसने बाद में बताया कि उसके जानने वाले, उसके घर परिवार में दूर के डिस्टेंट रिलेटिव्स टेररिस्ट हैं। मैंने उसको बहुत कहा कि हमें मिलवाओ, तो वो तैयार नहीं हो, क्योंकि उस जानता था कि जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली से आए हैं, हो सकता है इनका पुलिस के साथ संपर्क हो, तो वो आनाकानी करने लगा। मैंने उससे नंबर भी लिया तो उसने मना कर दिया, उसने मेरा नंबर लिया कि अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, क्योंकि वो जिस इलाके में रहता है वहाँ टेररिस्ट तो हर दूसरे घर में होते थे, लेकिन उसको कभी भी फ़ोन नहीं आया मेरे पास। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको जाना है उस टाइम में वॉर कवर करने के लिए, ये वॉर ही है, टेररिज्म प्रॉक्सी वॉर है, पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है, कश्मीर के स्थानीय लड़कों को उकसा कर वो करवाते हैं। टेररिस्ट आते नहीं है वहाँ से, पाकिस्तान से आते हैं घुसपैठ करके। तो आपको, चूँकि हमारा काम है, लोग सोचते हैं कि यहाँ तो खतरा है कैसे जाएंगे, लेकिन जहाँ खतरा है वहीं जर्नलिस्ट वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट का काम यही होता है, खतरों में जाना। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में मेरे से किसी ने पूछा कि वहाँ युद्ध चल रहा है तो आप क्यों जा रहे हैं, तो दो ही लोग ऐसे होते हैं जो वॉर में जाते हैं, पहला सैनिक और दूसरा जर्नलिस्ट, वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट होगी, डिफेंस जर्नलिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। तो जहाँ खतरा होगा फिर वहीं में मिलेगी। तो मैं देखा वो कवरेज जो थी मेरी बहुत हिट हुई चैनल पर, मैंने यूट्यूब पर बाद में देखा, दो डेढ़ दो साल बाद तो मिलियंस ऑफ व्यूज थे उस स्टोरी के थे। मेरे कैमरामैन को अवार्ड दिया गया उस स्टोरी के लिए, आपने था जोखिम लेकर, बाद में आर्मी ने भी कहा कि इतने मुश्किल हालात में कवर करके आया हूँ, नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पर। मैंने कहा लेकिन मेरा काम ही यही है, जहाँ पर खतरा होगा, जोखिम होगा, रिस्क होगा, जहाँ इन्वॉल्व होगा वहीं से स्टोरी निकलती है, तो जाना ही पड़ता है आपको। तो ऐसी और भी बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास जो मैं कभी भी साझा कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। धन्यवाद।